इस वीडियो में दिखाई गई सभी जानकारी और कहानियां इंटरनेट रिसर्च पर आधारित हैं। इन कहानियों की सत्यता की पुष्टि नहीं की जा सकती है। हमारा उद्देश्य मनोरंजन करना है, किसी भी अंधविश्वास को बढ़ावा देना नहीं है। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यह कहानी है छत्तीसगढ़ के बिलासपुर जिले के एक छोटे से गाँव की, जहाँ पुलिस ने भूतों के खिलाफ शिकायत दर्ज की। यह घटना बिलासपुर जिले के एक गाँव की है, जहाँ एक पुराने घर में रहस्यमयी घटनाएं घट रही थी। गांव वालों का कहना था कि इस घर में भूतों का बसेरा है। गांव वाले बताते हैं कि रात के समय इस घर से अजीब आवाजें आती थीं। कई लोगों ने यहां अजीब आकृतियां देखी थीं। बच्चों के रोने की आवाजें, दरवाजों का अपने आप खुलना बंद होना और अदृश्य ताकतों का एहसास होना यहां आम बात हो गई थी। रात के समय हमें अक्सर किसी के रोने और चीखने की आवाजें सुनाई देती थीं। हमने कई बार देखा कि घर के अंदर कोई साया घूम रहा है, लेकिन वहां कोई नहीं था। डर के मारे गांव वालों ने पुलिस से मदद की गुहार लगाई। पुलिस ने भी इन घटनाओं को गंभीरता से लिया और जांच के लिए टीम भेजी। The villagers, gripped by fear, pleaded for help from the police. The police, taking these incidents seriously, dispatched a team to investigate. पुलिस की टीम ने घर की जांच की, लेकिन उन्हें कोई ठोस सबूत नहीं मिला। बावजूद इसके, गांव वालों के डर को देखते हुए पुलिस ने भूतों के खिलाफ शिकायत दर्ज कर ली। यह मामला अब भी रहस्य बना हुआ है। इस घटना ने पूरे गाँव को हिलाकर रख दिया है। लोग अब भी डरे हुए हैं और रात के समय इस घर के पास जाने से कतराते हैं। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि कुछ रहस्य शायद कभी सुलझ नहीं पाते। क्या वाकई भूत होते हैं या यह सिर्फ हमारे मन का वहम है? यह सोचने वाली बात है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।